हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं अनु छाबड़ा और आज के ट्यूटोरियल में आपको मैं दिखाने वाली हूं ये समर पार्टी मेकअप लुक। कई बार ऐसा होता है कि हमें समर में किसी फंक्शन को अटेंड करना है, डे फंक्शन है जैसे कि मेहंदी है या कोई लंच गेट टुगेदर है या हमें किसी के घर पे जाना है या फिर कई बार हम मार्केट भी जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी स्किन टोन थोड़ी इवन लगे, थोड़ा सा कवरेज लगे, बिकॉज हम फुल कवरेज मेकअप नहीं करते हैं उस वक्त पे। और समर में जब हम प्रोडक्ट्स की लेयरिंग करते हैं तब हमारा फेस बहुत ही केकी लगता है। और तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ और बहुत ही कुछ फुल कवरेज मेकअप नहीं है मेरा, बहुत ही लाइट रखूंगी मैं फाउंडेशन को और अपनी फिंगर से ही ब्लेंड करूंगी। आगे बहुत से फेस्टिवल्स आने वाले हैं फ्रेंड्स, रक्षाबंधन है, तीज है, आप उनमें ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे दीजिएगा एक बड़ा सा थम्स अप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर ये ट्रिक आपके लिए काम की है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं इसी तरह के और वीडियोज आपके लिए लेके आ सकूँ। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, मेरा फेस बिल्कुल रेडी है, मैंने अपना क्लिनजिंग रूटीन कम्प्लीट कर लिया है और अब मैं सनस्क्रीन लोशन लगा रही हूँ क्योंकि ये डे टाइम है, इसलिए आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और अब मैं अपनी स्किन पर लगाऊंगी प्राइमर। प्राइमर हमारी स्किन पर ऑयल कंट्रोल का काम करता है, इसे मैं अपने टी जोन एरिया पर लगाऊंगी जहाँ की मुझे ज्यादा ऑयल की प्रॉब्लम है और ये मेरी स्किन को बहुत मैटिफाई भी कर देगा। मैं लिप्स को भी मॉइस्चराइज कर रही हूँ और मैं यहाँ लिप बाम लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं मॉनसून सीजन है और एक्टिव एक्ने की प्रॉब्लम होती ही है। और अब मैं ये पैक का एचडी फाउंडेशन यूज कर रही हूँ और इसे मैंने सिर्फ एक पंप ही लिया है और इसमें से भी मैं इसे पूरा यूज नहीं करूंगी। गाइज, द की इज दैट कि आप अपनी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करें क्योंकि जब आपकी स्किन पर ड्राई पैचेस होते हैं तो वो कहीं ना कहीं फाउंडेशन आपकी उन्हीं ड्राई पैचेस पर जाकर ही सेट हो जाती है और हमें हमारी फाउंडेशन केकी लगती है। इसलिए आप मेकअप से पहले हमेशा अपने फेस को एक्सफोलिएट करें और उसके बाद उसे बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करें, देन आप फाउंडेशन अप्लाई करें तो आपकी फाउंडेशन बहुत ही स्मूथली अप्लाई होगी और बिल्कुल भी केकी नहीं होगी। और पहले मैं अपनी फिंगर से ही फाउंडेशन को अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी और उसके बाद पैटिंग मोशंस में इसे अपने फेस पर सेट करूँगी ताकि ये इवनली सेट हो जाए और मेरी फिंगर्स की वॉर्म से ये बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी, बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। आपको किसी भी ब्रश या स्पॉन्ज की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही ईजिली फिंगर से भी अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं। गाइज, ये फुल कवरेज मेकअप नहीं है, मैंने फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा लेयर नहीं किया है, समर मेकअप है। आप अपने प्रोडक्ट्स को जितना कम से कम रखेंगे आपका मेकअप उतना ही अच्छा दिखेगा और ज़्यादा देर तक स्टे भी करेगा। अगर आपको फेस पर ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आप कलर करेक्टिंग कर सकते हैं। और अब फाउंडेशन के बाद मेरे फेस पर थोड़ी सी कवरेज आ गई है और अब मुझे जहाँ ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत है बस वहीं मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। आज मैं बहुत ज़्यादा कॉन्टूर और हाइलाइटिंग नहीं कर रही हूँ। और अब मैं कंसीलर को भी अपने फिंगर से ही अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं अपने फेस को सेट कर रही हूँ ट्रांसलूसेंट पाउडर से और मैंने यहाँ यूज किया है डैम स्पॉन्ज। आप डैम स्पॉन्ज ही यूज कीजिए फ्रेंड्स, इससे आपका फेस मैटिफाई रहेगा और आपको थोड़ा कवरेज भी मिलेगा। और इस पाउडर को मैं अपने फेस पर जेनरस अमाउंट में लगाऊंगी और अच्छे से अपने फेस को सेट करूंगी। इस पाउडर को मैं अपने स्किन में अच्छे से पुश करूंगी, बिल्कुल भी हल्के हाथों से नहीं लगाऊंगी। अभी आपको मेरा फेस काफी पाउडरी लग रहा होगा बट डोंट वरी, ये अभी सब कुछ एक साथ मर्ज हो जाएगा। और नेक्स्ट मैं ये फ्लफी ब्रश यूज करूंगी और अपने फेस पर जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है उसे डस्ट ऑफ कर लूंगी।
अब नेक्स्ट मैं अपने अंडर आईज को हाईलाइट करने के लिए ये अपना वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटिंग और कॉन्टोर पैलेट यूज कर रही हूँ और इसमें से मैंने हाईलाइटिंग शेड लिया है और इसे मैं एक स्पॉन्ज की मदद से अपने अंडर आईज पर लगा रही हूँ। आज मैंने कोई हाईलाइटिंग कंसीलर यूज नहीं किया है। और नेक्स्ट मैं अपने फेस को ब्रॉन्ज करूंगी। ये मेरा वेट एंड वाइल्ड का ब्रॉन्जर है। इस सिंगल मोशन में मैं अपने फेस के हाई पॉइंट्स को ब्रॉन्ज कर रही हूँ ताकि मेरे फेस पर थोड़ी सी वार्मथ आए, थोड़ा कलर आए। अगर आप चाहते हैं तो आप पाउडर कॉन्टूर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं अपने फेस पर ब्लश लगाऊंगी। ये वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकन ब्लश है। बहुत ही अच्छा समरी कलर है, काफी पिगमेंटेड भी है। और अब मैं यूज करूंगी फ्रेंड्स ये वेट एंड वाइल्ड का सेटिंग स्प्रे। नेचुरल फिनिश का स्प्रे है ये, बहुत अच्छा है। जितने भी फेस पर पाउडर्स लगाए हैं उन सभी को ये मेल्ट करेगा और बिल्कुल फेस पर आपस में मर्ज करके सेट कर देगा। और अब मैं ये कलर पॉप का हाइलाइटर ले रही हूँ और इससे मैं अपने फेस के हाई पॉइंट्स पर हाइलाइटिंग करूंगी। और नेक्स्ट मैं ये निका की आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ और इससे मैं अपने आईब्रोज फिल करूंगी। आई मेकअप मैं आज बिल्कुल सिंपल रखूंगी। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कंफर्ट जोन पैलेट और इसमें से मैंने ये ट्रांजिशन कलर एक पॉइंटेड ब्लेंडिंग ब्रश पर लिया है और इसे सिंपली मैं अपने क्रीज पर ब्लेंड कर लूंगी। आज मैं सिर्फ दो आई शेडोज ही यूज करूंगी। और अब मैं सेम पैलेट में से ये न्यूट्रल शिमरी कलर ले रही हूँ और इसे अपने फिंगर से ही अपनी पूरी आईलिड पर लगा लूंगी। नेक्स्ट अपने इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन को मैं इस कलर से हाईलाइट कर लूंगी। देन सेम क्रीज कलर को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी ब्लेंड कर रही हूँ और मैंने विंग लाइनर क्रिएट किया है। अब मैं अपने लैशेस को कर्ल करके मस्कारा लगा रही हूँ और आज मैं फेक लैशेस अप्लाई करूंगी। क्योंकि मेरा आई मेकअप बिल्कुल लाइट है इसलिए मैं अपने लिप्स पर एक ब्राइट कलर लगा रही हूँ। ट्रेडिशनल फंक्शंस में, फेस्टिवल्स में ब्राइट लिप्स बहुत ही अच्छे लगते हैं और मैंने यहाँ यूज की है कलर पॉप की लिक्विड लिपस्टिक। और मुझे कभी कभी बिंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने छोटी सी बिंदी भी लगाई है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो गाइस मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।